सोशल मीडिया सेंसेशन शिव ठाकरे ने हाल ही में बीच क्लीनिंग कैंपेन में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान शिव ने लोगों से समुद्र तट को साफ रखने की रिक्वेस्ट की। मुझे ये ग्रुप ने इनवाइट किया था, चीनू भाई है, उन्होंने इनवाइट किया था और मुझे लगता है कि उतना 15-20 मिनट तो निकल ही जाते हैं। इतना दिन भर हम कुछ ना कुछ काम करते तो मुझे भी अच्छा लगा आके। और मैं सच्ची में बहुत 20-25 मिनट था जो रियल में साफ सफाई की ये बच्चों ने की जो पीछे कर रहे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग प्यार करने वाले हैं जो मुंबई में रहते हैं या मुंबई के बाहर रहते हैं वो अपना 15 मिनट निकाल लो, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और मैं पहली बार ही आया हूँ, मैं हमेशा नहीं आता हूँ, तो 15 मिनट आके बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक कॉर्नर भी साफ कर लिया तो एक दिल को सुकून रहेगा। और दूसरे दिन कुछ फेंकते समय मैं सोचूंगा, ऐसे नहीं कि मैं बहुत क्लीन हूँ, मैं फेंकता नहीं हूँ, बट मैं फेंकते वक्त जब मैं क्लीन करूँगा तभी मेरे माइंड में आएगा कि फेंकते वक्त सोचो यार। और फिर बीच पे आके हम ही लोग होते हैं कि यार कितने गंदे लोग हैं ना, कितना ये होता है, ये हम ही लोग होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा और थैंक यू ग्रुप को कि मुझे इन्वाइट किया। और मैं इनको प्रॉमिस किया कि गणपति वक्त भी मैं एक बार विजिट करूँगा और बीच में जैसे जैसे वक्त मिलता है, 15 मिनट तो सबको ही मिलते हैं, होते हैं जो कचरा फेंकते हैं और बीच पे आने के बाद हमें खुद को ही गाली देते हैं कि यार कैसे लोग हैं। तो हम खुद से अगर स्टार्ट करें, अगर अपनी से जो चिप्स का पैकेट है अपने हाथ का ही से डस्टबिन तक लेके जाए, और आपको 15 मिनट नहीं मिलते, सब बिजी होते हैं। और जब भी वक्त मिलता है संडे के दिन, जब बीच में मॉर्निंग वॉक के दिन आते हैं तो 15 मिनट हम साफ कर लेना, बहुत सुकून मिलता है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो शिव फिलहाल खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आ रहे हैं।